और टेक्सचर आर्ट और मेहंदी में कैसा होता है कि हमें ना अपनी जिस पे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट वर्क कर रहे हैं उसको रोटेट हम नहीं करते हैं। जैसे आपने एक शीट ले ली, उसको आप बार बार घुमाओगे, यहाँ से एक बनाओगे, फिर घुमा के यहाँ से बनाओगे, ये नहीं होता है। इसमें हमें एक पर्टिकुलर उसको एक पोजीशन में सीधा रखना होता है और सीधे में ही सब आर्ट हमको सब एलिमेंट्स क्रिएट करने होता है। तो ये क्वाइट टफ रहता है न्यू और बिगनर्स लोगों के लिए सीखना, फिर भी प्रैक्टिस करते करते वो भी आ ही जाता है। ये हो गया हमारा आउटलाइंस बोल्ड। सो यस, ये था आज का हमारा वर्कशॉप। आई होप आप लोग ने बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी होंगी मुझसे। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट था तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, थोड़ा टाइम भी मुझे लगेगा सीखने के लिए। और आप लोग को अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ आप लोग को सीखना है तो आप लोग मुझे पर्सनली कह सकते हो, मैं वो भी आप लोग को सिखा दूँगी। जैसे आप लोग अभी कोई बिगिनर है और उसे टेक्सचर आर्ट सीखना है तो वो ये, जैसे हम बचपन में बच्चों को ABCD सिखाया करते थे घोट घोट के, उसी तरह हम ये भी सीख सकते हैं कि हम पहले एक पेंसिल से अपना शेप ड्रॉ कर ले और फिर उस पर घोट के हम लोग सीख सकते हैं इस तरह से। वो आपके ऊपर है, आप लोग डायरेक्ट सीखेंगे तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप लोग अप्लाई करने जाते हो तो आप लोगों को फिर सब कुछ एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। ये है मेरा आज का न्यू केस जो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, जैसे स्वर्ल्स है और वाइन्स है, लाइन्स है, बहुत कुछ है इसमें। और कल सोच रही हूँ मैं इसको ही अपने लाइव में कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइए कि मैं अगर इसको अपने लाइव में कंप्लीट करूँ तो वो कैसा रहेगा। या फिर आप लोग को कोन मेकिंग सीखना है तो आप लोग को जो सीखना है मैं वो कल पढ़ाऊँगी। तो गाइस, आज मेरे लिए बहुत टफ था ये लाइव को सेटअप करके लेना। टफ मतलब इतना भी टफ नहीं, बट फर्स्ट टाइम था इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा था। तो आज इतना ही टाइम हम लोग मैं दे पाई आप लोगों के लिए। आई प्रॉमिस मैं कल से आप लोगों को पूरा एक घंटा जो है और जितना भी मुझसे हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को वर्कशॉप्स में सिखाने की कोशिश करूँगी। तो रूपम और ईशान, आप मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि मैं अब अपना लाइव एंड करूं या कुछ रह गया है, मुझे गाइड कीजिए। इज़ एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक रहा, कैसा रहा? ईशान, कैन यू प्लीज़ सेंड मी द कंफर्मेशन? थैंक यू रूपम। थैंक यू ईशान। तो क्या मैं लाइव एंड करूं? और मुझे इसे सेव करना नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे सेव करना बता दो तो मैं आज का लाइव एंड करूं। अगर आप लोग चाहे तो मैं ये इसका मैं फ़ोटो या फिर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को ग्रुप में पता चले कि आज मैंने क्या पढ़ाई हो। कैन एनीवन प्लीज टेल मी हाउ टू सेव द लाइव? आई एम वेटिंग।